आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि अब धीरे 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 समय नजदीक आ रहा है, 6 दिन का और वक्त है जब हम सब एक बार फिर से इतिहास रचता हुआ देखेंगे और देश में नए संसद भवन में नए संसद भवन का इनॉग्रेशन देखेंगे। अब ऐसे में जो विपक्ष है उसने नई तार छेड़ दी है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री 28 तारीख को फीता काटेंगे, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति क्यों ना काटे, और साथ ही 28 तारीख का जो समय है ये बड़ा चुनकर रखा गया, डेट को लेकर के भी टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहा है 28 तारीख ही क्यों, इस दिन वीर सावरकर को लेकर के 28 तारीख को जोड़ करके लगातार बीजेपी को टारगेट क्यों, अब 28 तारीख 27 तारीख और 26 तारीख को भी अगर जोड़ा जाए, कनेक्शन किससे कनेक्शन है, उससे कनेक्शन है, तो फिर अगर कुछ बड़ा हो रहा है देश के लिए, भले के लिए हो रहा है, तो उसमें इफ एंड बट क्यों है सर? प्रीति जी, पहली बात तो आपने कांग्रेस के साथ से सवाल किया कि यह तय कौन करता है, तो जो तय जो ऑलरेडी तय है उसको तय करने की जरूरत नहीं। संसद में 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो प्रधानमंत्री इसमें कहां से आते हैं? तो यार, तो चाहे शिलान्यास का मामला हो या उद्घाटन का मामला हो, यह तय करना नहीं है, यह तय है कि यह अधिकार राष्ट्रपति को है। और जब राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वह सुप्रीम बॉडी है, राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते हैं, राष्ट्र का प्रतीक होता है राष्ट्रपति, और उसके उसका अधिकार है, आप उसके अधिकार को छीन रहे हैं, इसका मतलब जो है सो आप राष्ट्रपति पद की गरिमा को जो है सो आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं, आप एक अधिकारवाद के तरफ जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था रविशंकर प्रसाद जी का, मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, विधि मंत्री रहे हैं, इतनी हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, और अभी भाजपा के साथ ही तर्क दे रहे हैं, अब भाजपा के साथ ही तर्क दे रहे हैं कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने किया उसका परिणाम कांग्रेस को मिला, तो क्या आज आप सत्ता में इसलिए है कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई थी, तो क्या आप उसी गलतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए आए हैं चित्रंजन जी, या उस गलतियों को सुधारने के लिए आए हैं? मैं खुद काउंटर करना चाहती हूँ। एक सवाल और कर लीजिए। ठीक जी बोलिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री का किया हुआ है, शर्मनाक बात है, प्रधानमंत्री देश के अपने कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री सेवक हूँ, कहते थे वो, लेकिन वास्तविक बात है एग्जीक्यूटिव बॉडी के वे मंत्रिमंडल के वे प्रधान है, लेकिन पूरा देश उन्हीं के निर्णय से चलता है, इसका मतलब कि जो चाहे सो करने, या तो नहीं है, आप तो भारतीय संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से सवाल लोगों के दिल में है कि जब शिलान्यास करना था तो चूंकि एक दलित राष्ट्रपति थे, आपको दलित से नफरत।